गुरु जी के साथ गए और बहुत सारे दैत्यों को जो यज्ञ नहीं होने देते थे वो सारी कथा आपने को, और जिन्होंने नहीं पता होगा लॉकडाउन में सबने रामायण देखी है। भगवान वहाँ से गए और गुरु जी के साथ ही मिथिला पहुँचे, वहाँ विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वनवास हुआ, वनवास के बाद अनेक ऋषि मुनियों का उद्धार किया, दुष्टों का उद्धार किया, बानरों की सेना बनाई, लंका तक पहुंचे, लंका के रावण पर विजय प्राप्त करी और वहां विभीषण को उसका राज दे दिया। किसी ने पूछा महाराज, भगवान ने कहा यदि मेरी शरण में जो आ जाता है मैं उसको अपना राज्य मैं उसको राजा बना सकता हूँ। भगवान, किसी ने कहा कि प्रभु अगर रावण आ जाता तो अगर विभीषण को आपने अगर राजा बना दिया, पहले कह दिया था तुम लंकेश हो, लंकेश आप लंकेश लंका के राजा हैं और कल के दिन रावण आ जाए, राम ने कहा आ जाए तो सही, मैं उसको अयोध्या का राजा बनाऊंगा। ऐसा राम का चरित्र है, हम पढ़ते नहीं हैं। ईश्वर राम का चरित्र इतना आरामदायक है, आप अगर पढ़ेंगे मनन करेंगे तो आपको भी आराम मिलेगा। तो यहाँ पर रामचरित्र को विश्राम देते बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत लंबी चर्चा हुई तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बहुत देर से बैठे हो, अगर जलपान आदि करना हो तो कर लो। परीक्षित ने कहा महाराज नहीं, तो क्या सुनना चाहते हो? तो भगवान ने सुखदेव जी ने शॉर्ट में सुनाया कि देखो राजन, सूर्य वंश में बहुत से राजा, चंद्र वंश में ब्रह्म के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा उर्वशी से हुआ, छह पुत्र हुए, नुहुस हुए, नुहुस के छह पुत्र यति, याति, सरयाति, ययाति, व्याति, व्यग्रयाति, ययाति के पुत्र बड़े प्रताप आदि आदि बहुत सारे। एक श्लोक में ही सुखदेव जी ने सारा चंद्र वंश का वर्णन कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ये आप ठीक नहीं कर रहे, क्या हुआ? बोले चंद्रवंश की आपने बहुत लंबी चर्चा करी है और उस जिस चंद्रवंश में मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने मेरे पूर्वजों को एक समर में इस तरह से पार करा दिया, जैसे एक हाथी को जो है बछड़े के पैर के ऊपर से पैर के निशान से करवा देते, इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ा दिया, ऐसा उनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। आपने महाराज शॉर्ट में सुना दिया। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्या यज्ञ चौभ्यंशानम चरितम परवाद्भुतम। तो भगवान ने कहा कि यदि चाय पानी पीना हो तो पी सकते हो, बहुत दिन से बैठे हो। परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, भगवान की कथा में मुझे इतना आनंद आ रहा कि कुछ और भूख प्यास लगती नहीं, क्षुधा तृषा कुछ हो ही नहीं रही है। तो भगवान सीधे चलेंगे हम अब सीधे यहाँ से कृष्ण जन्म की तरफ। 12 बजे मैं झूठ बोल रहा था और इतना भी मैं महाराज श्री का भी 15 मिनट में वैसे खा गया। मैं क्षमा चाह माँ मांग लूंगा, संत है, संत हृदय नवनीत समान, बाद में चरण में पड़ जाऊंगा तो सारी गलतियां माफ। तो इसी वंश में आजा रंति देव हुए, अजमीड़ देवमीड़ सूरसेन, सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव जी, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, 8 पुत्र हैं, एक पुत्री है जिसका नाम है सुभद्रा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन महाराज। इनकी पत्नी एक बार जंगल में गई सखियों के साथ, तो दुर्मिल नाम का जो एक दैत्य था उसकी नजर पड़ गई और उस क्योंकि गर्भवती थी रानी, उस गर्भ पर उस दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी। बाद में वो जब बच्चे ने जन्म लिया तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये बड़ा दुष्ट होगा, ये तो दैत्य ही बनेगा। तो उसको इन्होंने उग्रसेन महाराज ने कहा कि ऐसे दुष्टि होना तो इसको पहले ही खत्म कर दो। तो उसको एक टोकरी में रख के जल में बहा दिया गया जमुना जी में। सूरसेन जी उसको अपने घर ले आए, वसुदेव जी के साथ उसका भी पालन पोषण हुआ और वसुदेव जी और वो आपस में मित्र बने। समय आया वो उसने जब तपस्या करी, भगवान से धनुष प्राप्त हुआ और वरदान प्राप्त हुआ, तो वरदान के वशीभूत सबसे पहले ये अपने राज्य पर चढ़ाई करी और अपने पिता को ही बंदी बनाया और उनको जेल में डाला और वहाँ अपना राज्य इसने विस्तार किया। समय इतना दुष्ट है, बहुत क्रूर है, लेकिन समय एक कुछ इसकी वृत्तियाँ इसके मन में आया कि अब अपना चरित्र थोड़ा बदला जाए, जैसे लोगों को दिखाने के लिए।
हमारे नेता भी तो यही करते हैं, बाहर सबके आगे हाथ जोड़ते हैं सिर्फ वोटों के लिए, और ऐसा मीठी बातें करते हैं महाराज, लगता है कि ये जरूर कुछ नया करेगा देश के लिए, ये पक्का। और फिर जैसे ही वोट मिल जाता है फिर 5 साल तक दिखता ही नहीं। उसने भी लगा कि अब अपना थोड़ा सा करेक्टर थोड़ा चेंज करें, कुछ चेंजेस लाएं अपने उसमें, लोग हमें दुष्ट दुष्ट बोलते हैं तो कुछ बदलाव लाएं। तो इसलिए इसको कुछ नहीं सूझा तो बोला कि चलो मेरी चचेरी बहन है देव की, अपने भाई की, हाँ मेरे मित्र है वसुदेव, उससे विवाह कर लेता हूँ। और खूब धूमधाम से इसने विवाह किया, सिर्फ अपना एक लोगों को पब्लिक सेंटिमेंट उसको चेंज करने के लिए, जो लोगों की नेगेटिविटी मेरी प्रति है वो चेंज हो जाए, करे नहीं। बहुत बढ़िया ढंग से खूब काम किया महाराज, खूब दहेज दिया, खूब डोली उठाई और रथ को चलाने लगा, ताकि लोगों को भी लगा कि अरे अचानक पन से इतना बदल कैसे गया, सब अचरज में है। और जैसे ही घोड़े की रास पकड़ी, दूल्हा दुल्हन को बिठा कर जा रहा था कि आकाशवाणी हुई, करे दुष्ट तो जिनको बेवकूफ बना रहा है बना ले, लेकिन हमको नहीं बना सकता। इसी जिस देवकी को तू आज विदा कर रहा है, इसी के आठवें गर्भ से तेरा काल पैदा होने वाला, वही तुझे मारेगा। और जैसे ही कंस ने ये सुना, किसकी छवि किसकी करैक्टर साफ बदल गया, 2 मिनट में बदल गया साहब, जटा पकड़ी देवकी को और पटक दिया कि जब मैं इसको ही मार देता हूँ, तलवार उठाई मारने लगा, मारने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने कहा देखो राजन, पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारी बहन अब ये नारी है, ये वैसे भी बद्य नहीं है, इसको वैसे भी आप मार नहीं सकते, और आज तो आपने लक्ष्मी के रूप में इसका वर्ण किया है तो भी आप नहीं मार सकते, और पब्लिक के अभी अभी जो आपकी छवि थोड़ी बदल रही थी वो भी दोबारा से फिर वही बदल जाएगी, इसलिए तुम सुधर जाओ, ऐसा मत करो। बहुत समझाया कि अच्छा तुम्हें इसके 8वें गर्भ से दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप हमें बंदी बना लो, इसको मारो जाओ, हम इसके जितने पुत्र होंगे हम आपको ला के दे दिया करें, इससे नहीं दुश्मनी आपकी इसके पुत्रों से है, तो पुत्रों को लाया। समय आया और उसने उनको कैद में डाल दिया। वसुदेव जी देवकी को कथा आपको सबको पता, सबने सुनी रखी होगी, कई बार सुनी होगी, कैद में डाल दिया गया। समय आया, 6 पुत्रों को मार दिया, 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम जी आए, वो संकर्षण करके वो ब्रिज में भेज दिए गए, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। 7-8वें रूप में भगवान आए हैं, भगवान भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी बड़े, जैसे ही आधी रात को हुए तो वहां सूर्य की तरह चमकने लगा। देवकी और वसुदेव की आंखें खुली, प्रभु आप कौन है, बोले आपके पुत्र हैं। देवताओं ने गर्व स्तुति करे, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नियतम सत्य सत्य से सत्यम वृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपन्ना, सत्य की स्तुति करी कि प्रभु आप सत्य रूप में आ जाओ। सत्य आया, भगवान आए, चतुर्भुज रूप में आए। देवकी और वसुदेव ने कहा महाराज हमने तो आपको पुत्र रूप में, फिर वही कहानी हो गई, हमने आपको पुत्र रूप में मांगे, आप तो दादा परदादा के रूप में आए हो। भगवान ने कहा चिंता न करो, कुछ बताने आया, अगर मैं छोटा बन गया तो बता नहीं पाऊंगा। भगवान ने माँ और पिताजी से कहा कि मैं थोड़ी देर में छोटा रूप बना लूंगा, चिंता न करो, लेकिन उससे पहले बात यह है कि कुछ ब्रिज में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप मुझे यहाँ से एक सूप में लेकर जाना, वहाँ नंद बाबा हैं उनके घर में स्थापित कर देना, वहाँ एक कन्या है उसको लेकर वापस आ जाना। और भगवान सारी स्थिति बता करके वसुदेव और देवकी को भगवान छोटे हुए, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल जी, जय हो नंद
अरे बूढ़न जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जवानन को जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जवानन को हाथी घोड़ा नंद भवन में आनंद छायो है नंद भवन अवतार लियो गोपाल गोपाल नंद भवन बधाई बाज रही अवतार लियो
राम के बारे में, ठीक है, और यहाँ कृष्ण के बारे में, भाई प्रकट कृष्ण भगवान जेल धर्म ज्ञान मुरली वाले खुल गए जेल के ताले Thank you.
जाके देखा बरसात हो रही है, यमुना जी बढ़ रही है, तो देखा जाकर अरे यमुना जल भरे उछाले के सुत को ठीक है कन्या को लेकर चाले खुल गए जेल के ताले वही स्थिति का वर्णन किया है वर्णन करने वाले ने वसुदेव तुरत वापस बंद हो गए बढ़ गई बंद गई बेड़िया बंद हो गए ताले खुल गए लगे ताले बंद गई बेड़िया बंद हो गए ताले खुल गए लगे ताले और फिर क्या हुआ जैसे ही रखे और हुआ 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 जैसे ही हुआ हुआ की आवाज सुनी अब वो पहरेदार हैं पहरेदार जग चुके थे तो पहरी जागे सुन कर रोना हुआ हुआ रोना पहरी जागे सुन कर तो क्या होना महाराज
तो बच्चा उत्पन्न हो गया, अब क्या करें। तो सुनते ही कंस को पड़े जान के लाले हो गए बेल के ताले, सुनते ही कंस के भय कनक के सब भगवान भेद दरम्यान मुरली वाले खुल गए। ¡Gracias!